लगता है भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया बनाया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट कर दिया जाता है, मुझे बताइए। मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में, ठीक है। आज मेरे साथ नान साफी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत पर्सनल बात करूंगा, और मैंने पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है, मैं सबका सम्मान करता हूं। आप किसी को भी टिकट दे दो, हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आप टिकट दो। जो पहले मुझे बताएं भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया बनाया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट कर दिया जाता है, मुझे बताइए। क्या वो ऐसी चेकलिस्ट बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, आखिर क्या पैरामीटर है? अगर होमी खजूरिया को टिकट नहीं मिली है तो क्या कारण है उनको टिकट नहीं मिलने का? आप रात को सर्वे कराते हैं, आप दिन में सर्वे कराते हैं, आप पोलिंग कराते हैं, कार्यकर्ताओं को बताइए आपको कितने वोट मिले हैं। होमी खजूरिया को 95 वोट मिले हैं और जिसको टिकट देगी उसको 12 वोट मिले हैं, कौन सा सर्वे ऐसा है, पहले मुझे ये पता चले। मेरा रोष प्रकट होना ही है, मैं 18 साल से जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, और पूरा दिन समाज को जोड़ने के लिए। जिस टाइम पे मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में, ठीक है। आज मेरे साथ नानसाफी हुई है, कल जो पैराशूट से SSP मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है, अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत पर्सनल बात करूंगा, और मैंने पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है, मैं सबका सम्मान करता हूं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता मेरे पास आइए, मैं सभी कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। सब कार्यकर्ता मेरे हैं, मेरे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, नौजवान हैं, सबकी इज्जत है, सबकी बात होगी। प्लीज मेरा आप